अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो इस तरीके से कि इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लड़कियां डीएम कर रही थी कि आप ही आई लैशेज पे वीडियो बना दें, आई लैशेज किस तरीके से हम घर पर लगा सकते हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बना दी उस पर। अच्छा, आई लैशेज लगाना जो है ना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको जो है थोड़े सी टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है कि हम किस तरीके से आई लैशेज को अप्लाई करें, उसके क्या तरीकाकार है। और बस ये सब कुछ होते हैं छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, मुझे भी पहले अप्लाई करने नहीं आती थी और मैंने किसी से नहीं सीखी, ठीक है। आई लैशेज अप्लाई करना मैंने किसी से नहीं सीखी। मैंने 10 बार एक ही वीडियो को देख देख कर कि भाई मैंने जो सीख के रहनी है कि आई लैशेज लगाते किस टाइम, कमबख्त चीज़ क्या है जो लगती नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो है ना इसको खुद ही घर में ट्राइयाँ कर करके जो है ना आखिरकार मुझे लगानी आ गई। आप लोग भी फर्स्ट टाइम में नहीं लगेगी, सेकंड टाइम पे नहीं लगेगी, लेकिन ट्राई करते करते हर चीज़ हो जाती है, हर काम हो जाता है। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब की वीडियो खोलें और वहाँ से सर्च कर लें लैशेज लगाने का तरीका, हर काम करने का तरीका सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं से और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, बहुत ज़्यादा मैंने बोल ली है, अब जो है थोड़ा सा वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। और अच्छा, मैं यहाँ पर जो है किसी ब्रांड की लैशेज नहीं कर रही यूज़, ना मैं किसी की प्रमोशन कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है ये लोकल लैशेज हैं इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को किसी भी शॉप से जो है ना, किसी भी मार्ट से ये आराम से मिल जाएंगी, ठीक है, जहाँ से मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास जो है, मैंने पूरा जो है बड़ा वाला पैक मंगवा के रखा है, वो फिर मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन आज जो है मैं आपके साथ सिर्फ तरीका का शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम लैशेज को अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या तरीकाकार है, उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ करना पड़ता है और क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने लैशेज ले लेनी, कोई ज़रूरी नहीं है किसी ब्रांड की लैशेज हो, भाई लोकल लैशेज भी चलती हैं, हमने लैशेज ही लगानी है लेकिन लैशेज अच्छी वाली हो, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है हमें ग्लू चाहिए, अच्छी सी कोई ग्लू होनी चाहिए। ये मेरे पास नादिया हुसैन की, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा मैं नादिया हुसैन की ग्लू यूज़ कर रही थी, ठीक है। हाँ जी जनाब, सबसे पहले जो है हमें मैं ग्लू की सच बात कर रही थी कि ना ग्लू हमें कौन सी लेनी है। नादिया हुसैन की मैं पहले ग्लू यूज़ करती थी, लेकिन इस ग्लू को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, ये दो तरीके से यूज़ हो सकती है, ठीक है, जो मैंने ट्राई करके देखा है, ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। उसके बाद आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा आप लोगों ने मुझे वीडियोस में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अगर मुझे फॉलो करते हैं, कि मैं लैशेज बहुत कम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी अपनी लैशेज भी बिल्कुल ठीक हैं, इस तरीके की नहीं है कि ना होने के बराबर हो। और मैंने आपको मस्कारा रिकमेंड किया था मेबेलाइन का, ठीक है, तो मैं किसी और ब्रांड का नहीं यूज़ करती, ना मैं किसी की प्रमोशन कर रही हूँ, मैं मेबेलाइन का मस्कारा यूज़ करती हूँ। आप लोगों के साथ भी मैंने वीडियोज़ में शेयर किया था कि मेबेलाइन का मस्कारा यूज़ कर सकती हैं जिन लड़कियों को लैशेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत ही नहीं है लैशेज़ की, तो फिर ज़रूरत क्या है कि इतना बोझ उठा के घूमना, क्योंकि मुझे तो बहुत बोझ लगता है, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है ये लगाने से। अच्छा जनाब, अब जो है मैं स्वीट टच की ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्लू है, ठीक है। अब ये एक ही पर्पज़ से यूज़ होती है, और ये वाली जो है जिससे कि नादिया हुसैन की आई लाइनर टाइप की, ये दो पर्पज़ से यूज़ होती है, ठीक है। अब ये दो पर्पज़ से कैसे यूज़ होती है, अब मैं आपको बताती हूँ। हम लोग पहले यहाँ पे आई लैशेज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो आई लैशेज है ना, ये मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है, और बहुत दफ़ा मैं यूज़ कर चुकी हूँ ये वीडियोज़ के अंदर, और यूज़ की हुई मैंने इसके अंदर रखी है, ठीक है। अब हमने जो है, हम चाहे इसको ट्यूज़र से पकड़ लें, चाहे तो हम जो है इसको आराम से यूं अपने नेल्स के साथ, क्योंकि ये स्टक हुई होती हैं, आप जब इसको निकालेंगे ना तो इसमें से कड़क कड़क आवाज़ भी आएगी, क्योंकि जब हम इसे अपनी आईज पे अप्लाई करेंगे ना, तब भी हमें इसे स्टक ही करना है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है मैंने निकाल ली, ठीक है, ये लैश है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो अपनी आई लैशेज के, ये देखें मैंने ये यूज़ की हुई हैं, तो मेरे इसके ना यहाँ कॉर्नर्स नहीं निकले हुए, लेकिन ये थोड़ा सा निकला हुआ है कॉर्नर, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें ये यहाँ से ना इसको हमने कट कर देना है, ठीक है। हम सीज़र पकड़ते हैं, ये हमने सीज़र ली, और ये जो इसका कोना निकला हुआ है ना, ये हमने कट कर देना है। अच्छा, जब आप बिल्कुल न्यू लैशेज लगाएंगे ना, उसके यहाँ से भी कोना निकला हुआ होता है और यहाँ से भी, सबसे पहले तो हमने उसे कट कर देना है, ठीक है, नहीं तो वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे। अब हम जो है सीज़र पकड़ेंगे, और ये हमने इसका कोना कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा जो है ना इसको कट कर देते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसके जो कॉर्नर्स निकले होंगे उनको हमने कट कर देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, एक ट्यूज़र चाहिए होगा, ठीक है, ट्यूज़र इसीलिए चाहिए होगा कि ट्यूज़र से हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो
ड्यूजर चाहिए होगा, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब जो जो हमारी लैशेज है ना, हमने इसको पकड़ना है। पकड़ के जो है हमने अपनी आईज के ऊपर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हमने इसको रख के देखना है, ठीक है, कि आया हमारी जो पलकें हैं उसकी जितनी ही है ये लैश, अगर तो उससे थोड़ी बड़ी है, मतलब बाहर निकल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा पकड़ के कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। एक तो ये बड़ी वाली साइड होती है ना, जो हमारी ये बड़ी वाली लैश के ऊपर आती है, ये नहीं, जो इसके साथ छोटी वाला हिस्सा होता है ना, वहां से हमने इसको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है ना, हमें ज्यादा यही इरिटेट करता है, ये वाला इरिटेट नहीं करता। अगर हम ये यहाँ वाला अप्लाई ना भी करें ना साथ, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, कहाँ थे हम लोग? फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने इसके कॉर्नर्स भी कट कर दिए। सेकंड स्टेप हो गया कि हमने इसको ट्यूजर से पकड़ के हमने यहाँ पे लगा के देखना है, अगर हमारी आई लैशेज से बड़ा हो रहा होगा तो हमने इसको थोड़ा सा कट कर देना है, ठीक है। अच्छा जनाब, एक लैशेज होती है जो हम पूरी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एक इस तरीके से भी अप्लाई हो सकती है, एक लैशेज इस तरीके से अप्लाई हो सकती है जिसके हम लोग ये जो यहाँ पे कॉर्नर्स टच हो रहे होते हैं, हम उनको कट कर दें, सिर्फ इतनी सी जगह पर अप्लाई करें, ठीक है। जिन लड़कियों को बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा वो लैशेज इस्तेमाल नहीं कर सकती, इरिटेट होती है, तो वो ये वाला हिस्सा कट कर दें जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे ये छोटा वाला हिस्सा जो है जो यहाँ आएगा, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ वाले हिस्से पे हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं ग्लू की तरफ, के मैं ग्लू लगाने का भी आप लोगों को तरीका बता दूँ कि कौन कौन से ग्लू किस तरीके से यूज होगी, उसके बाद जो है मैं लैशेज का आपको बताती हूँ, ठीक है, कि हम इसे अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये मेरे पास जिस तरह नादियो सैन के ग्लू है, ठीक है, ये है मिल्टी, इस तरह आईलाइनर की तरह, ये अंदर से जैसे आईलाइनर होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमने क्या, ये आईलाइनर की तरह, इससे हमने अपनी आईज पर पूरा अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने एक इसकी लाइन जो है अपने लैशेस पर अप्लाई कर देनी है। लैशेस पे कहाँ अप्लाई कर देनी है? एक लाइन हमने, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से चिपक जाएंगी, क्योंकि दो जगह ग्लू लगी होगी तो ये बहुत अच्छे से स्टक हो जाएंगी, ठीक है। हमने हल्की सी लाइन जो है अपने यहाँ ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद एक ही हल्की सी लाइन जो है ना, हमने ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको इसके ऊपर नजर आ रहा होगा आई लैशेस के ऊपर, ये हल्की सी ये बारीक सी लाइन यहाँ पर, ये वाला जो एरिया नहीं, ये ऊपर का हिस्सा, ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लगा के उसके बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जी हमने अपनी लैशेस के ऊपर रखना है, और रख के पहले हमने ये दरमियान वाला हिस्सा रखना है। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, जिन लड़कियों को नहीं समझ लगेगी, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ लगा के दिखा दूंगी तो उनको समझ नहीं लगेगी, और वीडियो में इतना पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा बस मैंने जो है ना लगाई नहीं है पहले से ये। तो इसको लगाने का तरीकाकार मैं इससे आपको डिटेल में बता रही हूँ। पहले हम ये दरमियान वाला हिस्सा रखेंगे, ठीक है, ये दरमियान वाला हिस्सा है ना, इसको हमने पकड़ के ना यूँ आईज के ऊपर रख देना है, ये आई हमने नीचे शीशा रख लेना है, शीशा में हम यूँ देखेंगे, और देख के हमने ये यूँ करके रख देनी लैशेस, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका दरमियान वाला हिस्सा चिपका देना है, उसके बाद हमने इसके कॉर्नर यहाँ से और फिर यहाँ से स्टक कर देने, ठीक है। हाँ जी जनाब, समझ आ गई, ये इसका तरीकेकार है लगाने का। अब चलते हैं, अब इसको हम लगाते हैं और मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट स्टेप है, अब हम ये स्वीट टच की ग्लू खोलते हैं, ठीक है। मैं स्वीट टच की ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास आईलाइनर वाली है तो, और ये नहीं है तो आप लोग वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम यही प्रोसीजर है, इसी तरह ही अप्लाई करनी है। उसके मैंने दो तरीके बताए हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट ग्लू पे लगा के भी लगाएं तो भी इजीली है, और अगर आप लोगों को ये डर हो कि उतर ना जाए, सही परमानेंटली लग जाए, तो आप लोग आईलाइनर वाली जगह पर जो है ना इसकी लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर भी लैशेस चिपका सकते हैं, ठीक है। हाँ जी जनाब, अब अगला स्टेप जो है, हम जो है इसको खोलते हैं एसटी की, ठीक है, स्वीट टच की, और इससे मैं अप्लाई करती हूँ ये अपनी लैशेस के इस वाले एरिया पर, ठीक है। जी जनाब, ये मैंने इस पर अप्लाई कर ली है। अब जो है इसे हमने फौरन से नहीं लगाना, हम 5 तक काउंटिंग करते हैं, उसके बाद हाथ में जो है एक ट्यूजर पकड़ लें आप, ठीक है, ट्यूजर की मदद से हम इसे अप्लाई करेंगे, और एक मिरर पकड़ लें, थोड़ा सा हम इसको ड्राई होने देंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली फौरन से अप्लाई कर लेंगे ना, तो ये सही तरह हमारे लगेगी नहीं, एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है। मिरर नहीं लेकर आई, एक सेकेंड मिरर,
हाँ जी जनाब, ये देखें लैश मेरे लग गई है, ठीक है ये देख रहे हैं। अब मैंने इसमें क्या ट्रिक की है, मैं जो हूँ पूरी नहीं लगाती, ठीक है ये वाला जो कॉर्नर है ना इसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, ठीक है ताकि सिर्फ मेरी ये वाली जगह पे लैश रहे, ठीक है यहाँ से मेरी लैशेज लंबी लगे हैं। ठीक है अब ये वाली आंख देखें और ये वाली आंख देखें, क्योंकि पूरी आंख पे जो है ना मुझे लैशेज जो है ना यहाँ से मुझे इरिटेट करती है, इसका मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करती, इसका मैं थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर कट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आई लैशेज अप्लाई कर ले सॉरी मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि हमें पता ही ना चले कि हमने जो है नकली आई लैशेज लगाई है और यहाँ पे उसका हिस्सा नहीं लगा। ठीक है तो एक जैसी बैलेंस हो जाती है। अच्छा जो अब नहीं सही तरीके से बैठेंगी ना वो हमने मिरर पकड़ना है और उसके बाद जो है ना ये हमने ट्यूजर की मदद से जो है ना हमने सेट कर देनी है ऊपर से भी। अगर नहीं ये बैठेंगी सही तो हमने ट्यूजर की मदद से ही अच्छे तरीके से ये बिठा देनी है, ठीक है सेट कर देनी है। और हमने फिर इस पे हल्का सा जो है मस्कारा अप्लाई कर देना है, ताकि ये लगे ही नहीं कि हमने आर्टिफिशियल लैशेस लगाई हैं। ठीक है हाँ जी जनाब, ये वाली लैशेस मेरी अप्लाई हो गई है, अब ये वाली आईज भी मेरी बड़ी हो गई है। ठीक है अब जो है इस वाली आईज पे जो है अप्लाई करती हूँ मैं, लगाती हूँ और फिर इस पे भी लगाती हूँ। ठीक है हाँ जी जनाब, अब दूसरी आईज पे लगाते हैं, ये ड्राई हो चुकी है। ड्राई होने के बाद जो है अब हम जो है इसे इस आंख पर अप्लाई करते हैं। ठीक है अगेन हमने अपने हाथ में मिरर पकड़ लेना है और यू नीचे को देखना है और ये रख देनी है। ठीक है पहले बीच की रखी, बीच में लगाई, ठीक है उसके बाद कोने पे लगा दी। ठीक है और अच्छे तरीके से स्क्रब कर दी। हाँ जी जनाब, ये देखें अब ये इस पे लग गई है। ठीक है यहाँ पे जो है मैंने आपको हाफ अप्लाई करके दिखाई थी राइट साइड पे, यहाँ मैंने ये फुल वाली अप्लाई करके दिखाई है। ठीक है ये किस तरीके से लगेगी, अब हम जो है ट्यूजर की मदद से ही इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सेटिंग में ले आएंगे, ठीक है ताकि ये अच्छे तरीके से स्क्रब हो जाए और इसको फिर हम जो है ना, अच्छा हम जो है नकली आई लैशेस पे भी जो है ना मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें हमारी लैशेस सारी एक जैसी हो जाए और फील ही ना हो कि भाई हमने जो है नकली लैशेस भी लगाई हैं। ठीक है हाँ जी जनाब, ये वाली देखें अब लैशेस, ठीक है ये पूरी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और इस आंख पे भी अप्लाई हो गई है। थोड़ी सी सेट कर लेते हैं ऊपर से, यूं करके देखेंगे ना यूं ऊपर को ट्यूजर, तो आपको महसूस होगा कि सही तरह स्ट्रक हो गई है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ट्यूजर को यूं ऊपर को मारेंगे और स्टक नहीं हुई होगी तो अपनी जगह से हिल जाएगी। अब मेरी वाली जो है ये देखें ये अपनी जगह पर है, ये देखें मैं लैशेस के साथ साथ कर रही हूँ ना, ये देखें तो ये अपनी जगह पर है। ठीक है ये इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से स्टक हो गई है, ठीक है अच्छे तरीके से ये लग गई है। हाँ जी जनाब, बस लैशेस लगाने के लिए थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके से अप्लाई करनी है और किस तरीके से नहीं। राइट साइड पे मैंने अप्लाई करके दिखा दी, लेकिन अगर अभी राइट पे भी लगी होती और लेफ्ट दोनों पर होती तो आपको वाजह फ़र्क नज़र आ जाना था, लेकिन बस अभी मैंने ये रिमूव जो कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस ये थी वीडियो, आई होप सो समझ आ गई हो, और अगर इसमें भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई कुछ समझाने में आगे पीछे हो गया हो, तो इंसान है सीखता है सिखाता है बस चलता चला जाता है, ठीक है ना। तो बस मैं इस तरह ही अप्लाई कर लेती होती हूँ लैशेस, अब ये मेरे बहुत अच्छे से लग गई है। आई डोंट नो कि वीडियो में नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही, ठीक है अब देखें। अब पहले ये वाली आँख बड़ी हो गई थी, ये छोटी हो गई थी, अब ये वाली बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई, ये चुन्नी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, ठीक है। लेकिन पता है मैंने एक चीज़ क्या देखी है, मुझे ज़्यादा जो है ना राइट वाली पसंद आई, वो इस वजह से कि इस उसका ये हिस्सा अप्लाई किया हुआ था ना तो उससे मेरी आँख बहुत बड़ी लग रही थी। ये पूरी आई लैशेस अप्लाई करके ना पता नहीं, मेरा मानना ये है कि आँख थोड़ी दब जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, जैसे यूं हो गई है नीचे को ना, तो अगर सिर्फ हम यहाँ अप्लाई करते हो तो ऐसे लगता है आँख ऊपर को खुल गई है। तो बस डिपेंड ऑन यू कि आप पूरी लगाना चाहते हैं कि हाफ लगाना चाहते हैं, हर बंदे की अलग अलग पसंद होती है। मुझे हाफ पसंद है थोड़ा सा कट करके, किसी को पूरी पसंद होती है। अच्छा जनाब, बस ये थी वीडियो, और वीडियो में बहुत लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम 2 बज रहे हैं, ठीक है
तो अप्रिशिएट करना तो बनता है आप लोगों का, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और दूसरा ये कि क्या नाम है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।